चाहे कपड़े हो, ग्रोसरीज हो, दवाइयाँ हो या हो कोई भी घर का अन्य सामान, और आपको चाहिए हो इंस्टेंट डिलीवरी, अभी डाउनलोड करिए बिग ब्लिस ऐप। बिग ब्लिस ऐप पहुंचाएगा सारा सामान 10 मिनट में। बिग ब्लिस ऐप है खुशियों की अपनी दुकान। नमस्कार, आप देख रहे हैं मार्केट टाइम्स टीवी। मैं हूं आपके साथ शालिनी श्रीवास्तव। नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। रूस यूक्रेन संकट और कच्चे तेल की कीमतों में तेजी की वजह से घरेलू बाजार में अनिश्चितता हावी है। कच्चे तेल के नए रिकॉर्ड स्तरों पर पहुंचने के साथ ही घरेलू शेयर बाजार आज शुरुआती कारोबारी पूरी बढ़त गवा कर लाल निशान पे बंद हुआ। कच्चे तेल की कीमत $120 प्रति बैरल पहुंच गई है। कच्चे तेल की कीमत नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची है। रूस यूक्रेन संकट से मांग और सप्लाई में बढ़ते अंतर की वजह से कीमतों में तेजी का उछाल देखने को मिला। वहीं यूक्रेन में जारी युद्ध की वजह से कच्चे तेल की कीमतें $120 प्रति बैरल के स्तर पर पहुंच गई है। घरेलू शेयर बाजार में सकारात्मक रुख से शुरुआती कारोबार में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 18 पैसे चढ़कर 75.62 पर पहुंच गया है। विदेशी बाजारों में अमेरिकी मुद्रा के मजबूत होने, कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों और विदेशी पूंजी की निरंतर निकासी के कारण रुपए में बढ़त सीमित रही है। सोयाबीन की कीमत जहां रिकॉर्ड कीमत की ओर बढ़ रही है, वहीं रूस यूक्रेन में शुरू हुई जंग और विश्व बाजार में बढ़ती मांग के कारण रेट में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। लातूर कृषि उपज मंडी समिति में सोयाबीन के दाम 7,200 रुपए रहे। रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग अगर इसी तरह जारी रहती है तो भारतीय बाजार में खाद्य तेल की कीमतों में जबरदस्त उछाल देखने को मिल सकता है। फिलहाल देश में अप्रैल मध्य तक ही सूरजमुखी तेल का भंडार मौजूद है। बढ़ते तनाव के कारण पिछले दो दिन में तेल की कीमत 10 से 12 रुपए प्रति लीटर तक बढ़ गई है। यूक्रेन संकट की वजह से भारत में खाने के तेल की कीमत बढ़ने की आशंका है। हालांकि केंद्र सरकार ने इसके लिए एक प्लान भी बना लिया है। दरअसल भारत सरकार ने इंडोनेशिया से देश में पाम तेल की शिपमेंट को बढ़ाने के लिए कहा है। उत्तर प्रदेश के तेल बाजार में सरसों के तेल में उलटफेर का दौर जारी है। मार्च के शुरुआती दौर में तगड़ी गिरावट के बाद एक बार फिर सरसों के तेल के भाव 2 रुपए की गिरावट के साथ हुई। आज सरसों तेल 160 रुपए प्रति लीटर पर खुला है। यूक्रेन संकट के बाद एक बार फिर महंगाई का ग्राफ बढ़ने लगा है। बिहार राज्य खुदरा विक्रेता संघ के महासचिव के अनुसार बीते 4-5 दिनों में गेहूं की थोक कीमतों में 200 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी हुई है। खुदरा बाजार में 27 रुपए किलो बिकने वाला आटा अब 28 रुपए किलो बिकने लगा है। भारी बारिश, जलभराव तथा कीट के हमलों से खरीफ 2021 में कपास, मूंग, धान, बाजरा और गन्ने की फसल में नुकसान हुआ था, जिसके लिए हरियाणा सरकार द्वारा विशेष गिरदावरी करवाई गई। प्रभावित किसानों को मुआवजा दिया जा रहा है। तो आज की बड़ी खबरों में बस इतना ही। आप देखते रहिए मार्केट टाइम्स टीवी। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। कोरोना के इस दौर में आपको नहीं जाना बाहर। बिग ब्लिस पहुंचाएगा सारा सामान आपके घर 10 मिनट के अंदर। तुरंत डाउनलोड करें बिग ब्लिस ऐप, खुशियों की अपनी दुकान।